आईपीएल 2024 किन खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? आईपीएल 2024 में किन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा सबकी नजरें होने वाली है? आईपीएल 2024 क्यों सबसे खास होने वाला है? इस वीडियो में आपको बताएंगे उन अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में जिन पर इस आईपीएल में सबकी नजरें रहेंगी और जिन खिलाड़ियों के चर्चे भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो आप लोग भी इस पर कमेंट जरूर करिएगा कि आपके हिसाब से अनकैप्ड की इस लिस्ट में कुछ और ऐड होना चाहिए या नहीं, तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि 22 मार्च से इंडिया के सबसे बड़े त्यौहार का आगाज होने वाला है। लेकिन उससे पहले इन खिलाड़ियों के चर्चाओं ने आगाज तो कर ही दिया है। इस लिस्ट की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है समीर रिजवी का। आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर है समीर रिजवी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख में समीर रिजवी को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर है, मेरठ के रहने वाले हैं समीर रिजवी। यूपी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वहीं अगर बात करें इनके प्रदर्शन की तो यूपी T20 लीग में 188 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 455 रन बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में खेली गई सीके नायडू ट्रॉफी में भी 200 रनों से ऊपर की बड़ी ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेली थी। तो समीर रिजवी पर सबकी नजरें रहने वाली है और एमएस धोनी इनको कहां खिलाने वाले हैं ये भी अपने आप में चर्चा रहेगी। नंबर दो की अगर बात करें तो इस पर नाम आता है झारखंड के धोनी का, जिनको चर्चा होती है कि झारखंड का धोनी इन्हें भी कहा जाता है, कुमार कुशाग्र के। दिल्ली कैपिटल्स ने कुमार कुशाग्र को 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं कुमार कुशाग्र, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं कुमार कुशाग्र, झारखंड की टीम से ही डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं। देवधर ट्रॉफी 2023 में इन्होंने 109 की स्ट्राइक रेट से 227 रन बनाए। तो इसके अलावा दिल्ली की टीम ऋषभ पंत के बैकअप विकेट कीपर के लिए भी अगर आप देखें तो इनको देख सकती है, तभी 7 करोड़ रुपए इन पर इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सभी की नजरें रहने वाली है। इस लिस्ट में अगर हम नंबर 3 की बात करें तो वो भी एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी है जिसके बारे में बात होती है कि भाई ये किसी भी टीम का फिनिशर जबरदस्त हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं शुभम दुबे की। राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ 80 लाख में शुभम दुबे को खरीदा है। तूफानी बल्लेबाजी के लिए शुभम मशहूर है, विदर्भ के लिए ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 187 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए थे और सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और इनकी बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो इन पर ज्यादा चर्चा होती है कि ये राजस्थान की टीम में अगर इनको मौका दिया जाता है तो शायद ये बेहतर फिनिशर बन सकते हैं। तो क्या इनको मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। इसके अलावा इस लिस्ट की बात करें तो एक और ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसको हमने इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखा हुआ है, नाम है उसका रॉबिन मिंज जो है। इनके बारे में कई सारी चीजें अपने आप में बड़ी खास बनाती है इनको, और इनमें अगर आप देखें तो गुजरात की टीम में 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा इनको। इसके अलावा झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज है रॉबिन, आईपीएल में सिलेक्ट होने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ये भी मशहूर है। रणजी में इन्होंने नहीं खेला, यानी कि अभी तक ये रणजी ट्रॉफी नहीं खेला हुआ है। झारखंड के लिए ये अंडर 19 और अंडर 25 ये खेल चुके हैं, तो ये भी अपने आप में काफी स्पेशल है क्योंकि इन्होंने अभी रणजी नहीं खेला है लेकिन आईपीएल में इनका नाम शामिल हो गया है। और क्योंकि ये जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, जो भी इनको खेलते देखा है वो जानता है कि भाई ये बड़े शॉट लगाने के लिए मशहूर है, तो इन पर भी सबकी नजरें जरूर होंगी। वहीं इस लिस्ट की बात करें जो पांचवें खिलाड़ी की, तो वो है एम सिद्धार्थ। ये बल्लेबाजी में तो आप इनको बहुत अच्छा नहीं मान सकते, मतलब बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन एम सिद्धार्थ को 2 करोड़ 40 लाख रुपए में लखनऊ की टीम ने खरीदा है। बाएं हाथ से स्पिनर है सिद्धार्थ, जो कि आक्रामक स्पिनर है, थोड़ा सा स्लिजिंग में भी काफी ये मशहूर है। इसके अलावा TNPL में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। KKR DC कैंप का सिद्धार्थ हिस्सा भी रह चुके हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर की हम जो बात करते हैं वो यहाँ पर वो गेंदबाजी करते दिखेंगे, और शायद ऐसा हो सके कि लखनऊ की टीम इनको शायद हो सकता है कि वो कुणाल पांड्या की जगह भी कई मुकाबलों में इनको मौका दे सकती है, क्योंकि पिछला सीजन कुणाल पांड्या का बहुत अच्छा नहीं था। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी अच्छी करते हैं, विकेट टू विकेट इनकी बॉल रहती है। इसके अलावा थोड़ा सा नेचर एग्रेसिव है, स्लीज करना जानते हैं, थोड़ा TNPL में भी ये उलझ जाते थे खिलाड़ियों से, तो इन पर भी सबकी नजर होगी। मैंने इस लिस्ट में उन खिलाड़ियों को रखा है जो अभी तक आईपीएल जिन्होंने खेला ही नहीं है। ये डीसी कैंप का हिस्सा सिद्धार्थ जरूर थे पर इन्होंने मुकाबला नहीं खेला है।
तो देखते हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए कैसा जाता है ये आईपीएल। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन से अनकैप्ड खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि इस आईपीएल में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।